लेपर्ड वगैरह का ज्यादा खतरा होता है। तो देखते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। वैसे है तो बढ़िया मजेदार ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए व्लॉग में। और आज हम फिर से जा रहे हैं कैंपिंग करने, और एक प्यारा सा एक जंगल है, उस बहुत बेहतरीन सा व्यू आने वाला है उस जगह का। तो हम चलते हैं उधर कैंपिंग करने। मेरा सारा कुछ सेटअप हो चुका है। तो हे गाइस, अभी मैं अकेला आ चुका हूँ, एक प्यारी सी लोकेशन पे है। शायद मैं सोच रहा हूँ उस साइड आगे जाने की। तो आप देख सकते हो ये बाइक लगा दी है मैंने। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अच्छी सी कैंपिंग करने की। तो मैं देख रहा हूँ पहले यहाँ पे, पहले आगे ट्राई करता हूँ, फिर यहाँ पे चलते हैं। तो चलते हैं। दिक्कतें तो बहुत आती है अकेले कैंपिंग करने में। चलते हैं अब इस साइड में आगे कहीं लोकेशन पे अच्छी सी पे। अंदर की साइड में होगी कोई अच्छी सी जगह तो वहीं रुकेंगे। ये पास में एक कुटिया है, और देखते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। वैसे है तो बढ़िया मज़ेदार ही है। देखो लोकेशन बड़ी अच्छी आती है इधर से। तो हम ना इधर नहीं कैंपिंग करने वाले हैं, हम यहाँ पास ही में रुकने वाले हैं। जस्ट इस जगह पर हम कैंपिंग करेंगे। ये लोकेशन एकदम अच्छा है, जस्ट यहीं पे, यहाँ पे कैंप लगाएंगे थोड़ा सा। आगे का व्यू सबसे प्यारा आएगा। अभी हम मुझे जल्दी से पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जानवर वानवर का खतरा भी हो सकता है। दो लकड़ियाँ तो हमें यहीं मिल गई, ये एक ये हो गई और दो हो गई। लोग यहाँ पे पार्टी बहुत करते हैं, तो ये कार्टून आप पहचान सकते हो। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी तो हो चुकी है, आई होप कि ये चल जाएगी। कि पहला हमारा काम रहेगा टेंट को सेटअप करते हैं, तो थोड़ा इधर सफाई कर लेते हैं। आज मेरे पास ना मतलब लाइट का बैकअप नहीं है, एक ही बैटरी है। तो मुझे मतलब धीरे धीरे तरीके से यूज़ करनी होगी, एक ही बैटरी से पूरी रात चलाना, या मतलब जितना भी हम वर्क करेंगे उतनी देर तक यूज़ करना। तो देखते हैं क्या करते हैं। बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है आज का टास्क थोड़ा, क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं है, इसलिए लाइट नहीं होने वाली है। टेंट है वो लग के तो एकदम से रेडी हो चुका है। अब पहले सामान रखते हैं, एंड वॉश वगैरह करते हैं, आग जलाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। कुल्हाड़ी में अपने पास ही रखने वाला हूँ, मतलब साथ के साथ ही, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। वैसे सबसे बड़ी टेंशन वाली एक बात होती है जानवरों की,
क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई बस जानवरों से बच के रहना। तो अब देखते हैं कि जानवर लेपर्ड वगैरह का ज़्यादा खतरा होता है, तो साला हवा चलते है उसमें भी डर लगता है ऐसे। तो ये देखो ना, हवा आज बहुत चल रही है और मज़ा आ जाने वाला है। तो पहले हम इधर आग जलाएंगे, इधर ये लकड़ियाँ अभी तक तो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, छोटी छोटी की लकड़ियाँ और इकट्ठे करनी है जलाने के लिए। तो पहले आग जलाते हैं, पहले पत्थरों को उठाते हैं चूल्हा बनाने के लिए। इसमें चूल्हा बनाएंगे, ये गड्ढा सा है, ये हो गए सारे पत्थर इकट्ठा। चूल्हा वैसे मैंने कभी तो बनाया नहीं है, और जैसे जैसे लाइफ में जैसे मैं कैंपिंग करता हूँ उस दौरान ही बनाता हूँ, वरना तो कभी ऐसा खाना वाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है। इन कैंपिंग में मज़ा आता है भाई। ये हो गया हमारा चूल्हा तैयार। चलो भाई, आग तो जल गई कैसे तैसे करके, ये जल रही है आग और बड़ी मुश्किल से जली है। हर बार मेरा हाथ जल जाता है, इस बार भी जल चुका है तो बड़ी दिक्कत हुई। अभी पहले हम सोच रहा हूँ पहले मैगी या चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इसके बीच में यहाँ पर हम अपना कैंपिंग ये लगा देंगे, चूल्हा ये लगा देते हैं हम। अभी इसमें चाय बनाएंगे तो चाय ये उड़ेगा नहीं, बस ये हो गया एकदम। ओहो, ये एकदम से असली मज़ा वैसे इसी में है, यही लाइफ होती है असली। हाय भाई, नीचे कांटा है, ये अपना न्यू मेंबर एंड ये मसाला दानी ली है हमने। तो इसी के अंदर कैंपिंग करें तो ऐसी मसाला दानी ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी पत्ती डालते हैं हम, आज मैं अदरक वगैरह या ये लाना भूल गया था, जल्दबाजी में आया था तो मैं ध्यान से उतर गया था तो मैं लाया नहीं ये। तो चाय भी बन चुकी है हमारी, ये रही। वैसे मज़ा आता है कैंपिंग के दौरान जो कुछ किया जाता है ना, वो सब चीज़ों में मज़ा आता है। ये हो गई हमारी चाय रेडी, अब बारी है पहले मसाला काटने की। तो पहले मसाला काटते हैं, ये सारा मसाला हमारा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर इसे जाकर परचेस कर सकते हो।
तेल कम नहीं डाल रहे हैं। वैसे आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस किस ने ऐसे नाइट कैंपिंग की है और नाइट का मज़ा लिया है। एंड काफ़ी लजीज चावल बनने वाले हैं इस बार हमारे। और देखो मसाला पक जाए, और मुझे नहीं पता कि आलू पहले डालते हैं या नहीं। ये भाई हमारे जो चावल हैं वो एकदम लजीज तरीके के, मज़ा आ जाने वाला है। ये देखिए ये हो गए भाई हमारे चावल तैयार। हाय हाय, अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं। भाई हमारे चावल तो एकदम से बढ़िया वाले रे चावल हमारे एकदम से रेडी हो चुके हैं। पहले हम चावल लेते हैं हमारे। चावल ज़्यादा बन गए थोड़े से हमारे, तो पहले मैं ये पहली बार बनाया है मैंने चावल, तो आई होप के अच्छे बने होंगे। थोड़ी सी मिर्ची कम है, रेड चिली डालनी चाहिए थी मुझे। पहले टेस्ट करते हैं। सब ठीक है, ओनली पूरे नमक की कमी है। भाई साहब माइंड ब्लोइंग, कैंपिंग के द्वारा जो बनाया जाता है ना भाई, उसका तो मज़ा ही कुछ और। बहुत अच्छे चावल है। तो फाइनली गाइस खाना पीना सारा कुछ हो गया, सारा खाना ख़त्म कर दिया। थोड़े से और बचे हैं चावल हमारे पास। अभी आज मौसम ख़राब हो रहा है बहुत भयंकर वाला, शायद बारिश ज़रूर आएगी। तो अब सोते हैं और देखेंगे बारिश आएगी तो ज़रूर कुछ दिखाएंगे आपको, वरना एंड।